Nuclear reactor. Nuclear reactor is a machine that generates electricity on large scale by using atomic energy. See figure 5.10. तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक किस्म की मशीन है, ओके। और इस मशीन का काम है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत तैयार करना। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है ये कैसी तैयार होती है? लार्ज स्केल यानी बहुत ज़्यादा प्रमाण में तैयार होती है ना। और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कौन सी एनर्जी से तैयार की जाती है? एटॉमिक एनर्जी। अब आपको पता है कि हम जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी वापरते ये कोल से तैयार करते हैं यानी दगड़ी कोलसा, उसके बाद वाटर से, उसके बाद एयर जिसे हम पवन ऊर्जा बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अलग अलग फार्मूले हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती तो उसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता? एटॉमिक एनर्जी का। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर द न्यूक्लियर एनर्जी इन एटम इज रियलाइज्ड बाय ब्रिंगिंग रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑन द न्यूक्लियर फ्यूल। अब एटॉमिक एनर्जी अगर तैयार करना है तो हमने देखे कि वो किस में तैयार की जाती है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, बरोबर। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी किसके अंदर रहती? तो न्यूक्लियर एनर्जी रहती एटम के अंदर, ओके। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम एलिमेंट है ना, तो इसके हर एटम में क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। उसका इस्तेमाल करके हम एटॉमिक एनर्जी क्या कर सकते? ऑब्टेन कर सकते हैं। किस मशीन के अंदर? न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। तो डेफिनेटली जो हम फ्यूल इसमें ईंधन जो वापर रहे वो कौन सा फ्यूल है? न्यूक्लियर फ्यूल। और ये न्यूक्लियर फ्यूल किसके अंदर है? न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है न्यूक्लियर एनर्जी नहीं उस एटम के अंदर जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे एग्जांपल मैं आपको यूरेनियम का दिया, सॉरी, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन विद एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल नेमली यूरेनियम 235। अब हमने आइसोटॉप्स देखे, बराबर। अब जो यूरेनियम एलिमेंट्स है इसका एटॉमिक नंबर है 92, क्या है? 92। हाँ, और लेकिन इसके अलग अलग आइसोटॉप्स है। अब आइसोटॉप्स किसको बोलते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, यानी उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। तो एक यूरेनियम का आइसोटॉप्स है। अब देखो यूरेनियम 92 लेकिन एटॉमिक मास कितना लेने का उसका? 235। तो ये वाला जो आइसोटॉप्स है उसके अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियर फ्यूल। यानी उसके उसके हर एटम के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है और उसके जरिए हम एटॉमिक एनर्जी के स्वरूप में इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। ऑन बॉम्बार्डमेंट विद स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटॉप्स यूरेनियम 235 अंडरगोस न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म न्यूक्लियाइट ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट क्रिप्टॉन 92 एंड बेरियम 141 एंड 223 न्यूट्रॉन्स। अब देखो ओवरऑल हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो यूरेनियम 235 वाला हमने आइसोटोप्स देखे तो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी उसमें दो एटम्स एक जगह आते, फ्यूजन में एक जगह आते, और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस तैयार होते। आ रहा समझ में? हाँ, तो मैं आपको शॉर्ट में समझाया कि अगर कितने होते हैं दो न्यूक्लियस से अगर एक न्यूक्लियस तैयार होता है तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज़ अ फ्यूजन। क्या कहा जाता है उसे? फ्यूजन, बराबर। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? एक न्यूक्लियस से हम कितने न्यूक्लियस तैयार कर रहे हैं? दो। तो इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहा जाता है? फ्यूजन। तो फ्यूजन और फ्यूजन में का फर्क लग सकता है? समझ में? दो चीज़ों को हम एकत्र करते हैं, बराबर, दो न्यूक्लियस को, और उससे अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियर क्या होता है? फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर का क्या हो रहा है? फ्यूजन। यानी एक यूरेनियम से कितने एटम तैयार होंगे? दो न्यूक्लियस तैयार होंगे। अब यूरेनियम 235 का अगर
न्यूक्लियर फिजन होता है, तो जो दो न्यूक्लियर तैयार होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उसमें का पहला एलिमेंट्स कौन सा है? क्रिप्टॉन 92 नाम का आइसोटोप्स, और दूसरा कौन सा है? बेरियम 141। आ रहा समझ में? तो हम कुल मिलाकर क्या करेंगे, एक रिएक्शन समझ के लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मान लो मैं यहाँ पर येलो कलर का पेन लेता हूँ। अब हम जो रिएक्शन देख रहे हैं, सॉरी हम जो रिएक्शन देख रहे हैं वो क्या है, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजन। क्या नाम है? न्यूक्लियर फिजन। हाँ, अब न्यूक्लियर फिजन जहाँ भी रहेगा वहाँ एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस तैयार होंगे? दो न्यूक्लियस। अब हमने क्या किए, यूरेनियम 235 लिए। क्या लिए? यूरेनियम 235। और इस यूरेनियम 235 के ऊपर हमने क्या किया मालूम है क्या, इसका न्यूक्लियर फिजन किए, उससे दो न्यूक्लियर तैयार हुए। पहला न्यूक्लियर जो तैयार हुआ वो किसका तैयार हुआ? क्रिप्टॉन का, जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 92। बराबर। और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट तैयार हुआ वो है बेरियम, और ये उसका मास नंबर कितना है? 141। अब देखो बेरियम का एटॉमिक मास कितना था? 141। और ये क्रिप्टॉन का कितना था? 92। तो अगर हम इसकी कुल मिला के बेरीज करेंगे तो ये बेरीज कितनी आई? 233। लेकिन यूरेनियम में कितना था मास? 235। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसके अंदर क्या रिलीज होंगे? न्यूट्रॉन। अब यहाँ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितने न्यूट्रॉन रिलीज होने चाहिए? टू। लेकिन अप्रोक्सीमेटली कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते? टू टू थ्री। आ रहा है समझ में? कि हमने एक क्या लिया था, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस लिया था। आपको पता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, बराबर। तो यूरेनियम 235 का क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके अंदर क्या तैयार हुआ? क्रिप्टॉन, बेरियम, और 2 से 3 न्यूट्रॉन बाहर गिरे। ओके। ऑन डिक्रीजिंग द स्पीड दिस न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट फ्यूजन ऑफ मोर यू 235 न्यूक्लाई। अगर उस न्यूट्रॉन्स की हम स्पीड क्या करते हैं, डिक्रीज यानी कम करते हैं, तो फ्यूजन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा किसका? यूरेनियम 235 का। In this way, the chain reaction of nuclear fission takes place. और इस तरीके से जो chain reaction है nuclear fission की, ये इस तरीके से हो जाती है। See the figure 5.11. Okay. A large amount of nuclear energy is released during a chain reaction of fission. अब जब भी nuclear fission होता है तो उस टाइम में लार्ज अमाउंट में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है यानी बाहर गिरती है। ओके। द चेन रिएक्शन इज किप्ट अंडर कंट्रोल द प्रिवेंट द प्रोबेबल एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन। अब ये जो यूरेनियम 235 तो इसकी जब चेन रिएक्शन होंगी तो ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल करना पड़ता है। और ये कंट्रोल करने की वजह क्या है, क्योंकि प्रोबेबल एक्सप्लोजन यानी वहाँ पर एक्सप्लोजन स्पोर्ट होने की तक शक्यता रहती है, इतने अमाउंट में एनर्जी बाहर गिरती है, इसलिए न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है। टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इट इज नेसेसरी टू डिक्रीज द स्पीड एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो अभी जो हमने चेन रिएक्शन देखे इसको अगर कंट्रोल करना है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, तो इसके लिए हमको दो चीज़ें करना पड़ेंगे। पहला है टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दूसरा है डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी दो चीज़ें हमको कम करना पड़ेंगे। पहला यानी जो न्यूट्रॉन है जिसका मारा कर रहे तो उसकी स्पीड क्या करना पड़ेगी, डिक्रीज करना पड़ेगी। और जो न्यूट्रॉन्स के नंबर से उनकी संख्या भी क्या करना पड़ेगी, कम करना पड़ेगी। यानी तुमको पूछा जाए कि चेन रिएक्शन कंट्रोल कैसा करेंगे, तो उसके दो सोल्यूशन क्या है, पहले डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। ओके। फॉर दिस
For this purpose, the following provision is made in the nuclear reactor. Okay, अब कौन से provision हम देखेंगे? पहला है moderator. Graphite or heavy water is used as heavy water is moderator. Moderator for reducing the speed of neutrons. अब हमने देखे कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन की स्पीड कम करना जरूरी है. अब न्यूट्रॉन की अगर स्पीड कम करना है तो उसके लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब ये मॉडरेटर क्या रहते हैं? एक तो रहेगा ग्राफाइट, नहीं तो रहेगा हीवी वाटर, यानी जो जड़ पानी है या जो ग्राफाइट है, कार्बन का एलोट्रॉफिक फॉर्म है ये. तो ग्राफाइट और हीवी वाटर के जरिए हम न्यूट्रॉन की स्पीड रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मॉडरेटर. सेकंड वाला है कंट्रोलर. टू रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय अब्सॉर्बिंग देम रोड्स ऑफ बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम एक्सेट्रा आर यूज्ड एज कंट्रोलर. अब पहले हमने देखे कि स्पीड को कंट्रोल करना है तो मॉडरेटर को इस्तेमाल करना पड़ता है, और अगर न्यूट्रॉन की नंबर आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोलर का. अब ये कंट्रोलर क्या करते हैं? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. एब्जॉर्ब यानी शोषण लेना, है ना? तो उसको अगर वो एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर किस किस कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके हम रॉड इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पहला है बोरॉन, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है बेरिलियम. तो ये सब क्या है? कंट्रोलर है. कंट्रोलर क्यों है? क्योंकि ये क्या करेंगे? न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे. अगर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी. और इसलिए बोरॉन, कैडमियम, बेरिलियम, इनको क्या कहा जाता है? कंट्रोलर. द हीट प्रोड्यूस इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट. अब जो हीट प्रोड्यूस हुई न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर, तो इसको बाहर निकालने के लिए, वो हीट बाहर निकालने के लिए किसका वास्तव इस्तेमाल किया जाता? वाटर. इसलिए वाटर को क्या कहा जाता है? कूलेंट. कूलेंट. ओके. वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टीम. और वाटर जिस कूलेंट का हमने इस्तेमाल किए, अब वो क्या कर रहा है? हीट बाहर निकल रहा है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में से, इसलिए वाटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रूपांतर क्या में होता? स्टीम यानी वाफ, है ना, इसके अंदर होता है. बाय मींस ऑफ दिस स्टीम टर्बाइंस आर ड्राइवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. अब देखो वाटर का हमने कूलेंट बोल के इस्तेमाल किए, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या में हुआ? स्टीम. स्टीम क्या करता है? टर्बाइन को घुमाता है. टर्बाइन यानी वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है कि जिसको अगर हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, विद्युत तैयार हो सकती है. आ रहा समझ में? तो टर्बाइन्स उसमें घूमते हैं. समझ में आया क्या? हाँ. तो टर्बाइन्स क्यों घूमे? क्योंकि उनको क्या मिली? स्टीम. स्टीम मिलने से टर्बाइन्स घूम रहे हैं, और वो टर्बाइन जब घूमेंगे तब क्या जनरेट होंगी? इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरीके से हम क्या प्रोवाइड कर सकते? एटॉमिक एनर्जी हमने, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने क्या करे? जनरेट किए. ओके, लास्ट. इन इंडिया टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इन 8 प्लेस आर फंक्शनिंग. अब इंडिया के अंदर हम देखेंगे तो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर की जो संख्या है ये कितनी है? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे इंडिया में मौजूद है. अप्सरा एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन मुंबई इन द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया विच वेंट क्रिटिकल ऑन 4 अगस्त 1956. अब देखो अप्सरा जो है ये हमारी फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया का, और ये कहाँ पर मौजूद है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, बराबर. और ये जो अप्सरा अनुभट्टी है जिसे हम फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर गए थे, तो एक्चुअल ये क्रिटिकल कब हुई? 4th अगस्त 1956. ओके. इंडिया हैज लार्ज
रिजर्व ऑफ द एलिमेंट टोरियम 232 हाँ। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर देखेंगे हम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिस बहुत सारे प्रमाण में हमारे इंडिया में मौजूद है और वो कौन सा है थोरियम 232। Therefore, Indian scientists have developed a future plan for nuclear reactor based on production of the isotope U-233 for thorium-232. अब देखो, thorium-232 के बहुत से यानी बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमारे इंडिया में मौजूद है तो साइंटिस्ट का क्या प्रयत्न चालू है कि thorium-232 का रूपांतर किसमें होना चाहिए uranium-233 और ये अगर होता है तो फिर यूरेनियम से हम क्या करते हैं एटॉमिक एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। आ रहा समझ में?